विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। प्रशासन जगह जगह पर आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े लोगों पर नजर रखे हुए है। इसी कड़ी में पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनके पास से लगभग 15 लाख रुपए जब्त किए। पुलिस प्रशासन द्वारा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान प्रशासन ने संदीप चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके पास से 8,50,000 रुपए बरामद किया। वहीं प्रशासन ने कमलेश पटेल को भी गिरफ्तार किया और उसके पास से 6,30,000 रुपए बरामद किए। नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस के द्वारा सतत कार्रवाई करते हुए संदेहियों की जांच की जा रही है, जिसके तहत पुलिस को दोनों ही व्यक्तियों से 14,80,000 रुपए बरामद हुए। पुलिस अब इन रुपयों के संबंध में पूछताछ कर रही है। चुनाव के मद्देनजर लगातार बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और टोल नाकों पे और संदिग्ध स्थानों पे लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। आवाजाही पे भी संदिग्धों पर हमारी नज़रें बनी हुई हैं। इसी तत्वाधान में कल थाना कोतवाली क्षेत्र के द्वारा संदीप चक्रवर्ती के पास से 8,30,000 रुपये जब्त किए गए हैं। तत्समय इनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर इन पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जाफो 102 के तहत की गई है। इसी प्रकार से थाना सोमनी के द्वारा भी कमलेश पटेल के पास से 6,30,000 रुपये जब्त किए गए और उन पर भी तत्समय किसी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण उन पर भी यही कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेंगी। और किसी प्रकार की सूचना आपके पास हो जिसमें कि संदिग्ध धन की आवाजाही की सूचना हो तो उसे पुलिस से साझा करें, इस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry Academia collaboration for exposure of real industry world. 20 centers of excellence for research. Saathi Global Festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।